गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट क्लास में हमने जो अपने ऑर्डर निकालने के मेथड थे उनका स्टडी किया था। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू डिटरमाइन दी केमिकल काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। देखो, अभी तक जो अपन अभिक्रिया कि गति वेग वगैरह निकाले तो उसमें सांद्रता पदों को शामिल कर रहे थे, सांद्रता पदों को शामिल कर रहे थे। अब अपने पास में जो नया टॉपिक है उसमें अपन और कुछ मेथड देखेंगे जिसमें सांद्रता के अलावा अपन और भी चीज़ें शामिल करके क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की को निर्धारित कर सकते हैं कि अभिक्रिया किस प्रकार की है, इसमें जो अभिक्रिया वेग है वो कैसे निर्भर करेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर अपने पास में एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कितने होते हैं, चार होते हैं। तो लिखेंगे अपन सांद्रता पदों के अतिरिक्त किसी रासायनिक अभिक्रिया की बल गतिकी को या काइनेटिक्स को विश्लेषित करने के चार प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल विधियां होती हैं। अपने सिलेबस में कितनी विधियां हैं, चार विधियां हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए है। पहली विधि होती है चालकता मापी विधि, कंडक्टोमेट्रिक मेथड। जो अपनी दूसरी विधि आती है वो आती है अपने पास में विभव मापी विधि, पोटेंशियो मेट्रिक मेथड। जो अपने पास में थर्ड विधि आती है वो आती है अपनी स्पेक्ट्रोमेट्रिक विधि। और जो लास्ट अपने पास विधि होती है वो होती है ध्रुवण मापी मेथड विधि और पोलेरोमेट्री मेथड। चार विधियां होती है अपने पास में, पहली है कंडक्टोमेट्रिक मेथड, दूसरी है अपने पास में विभव मापी विधि, तीसरी है स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड और चौथी है ध्रुवण मापी विधि। तो ये चार विधियां होती है अपने पास में काइनेटिक्स में, जिनमें सांद्रता के अलावा इन चीज़ों का अध्ययन करके, जैसे इसमें चालकता मापी का अध्ययन करके चालकता का, इसके अंदर विभव का अध्ययन करके, इसके अंदर स्पेक्ट्रो मतलब अपने पास में जो भी लाइट और द्रव्य की अंतःक्रिया है उसका अध्ययन करके, और चौथी है पोलरोमेट्री मतलब जो ध्रुवण घूर्णक होता है मतलब PPL को जो रोटेशन होता है उसके स्टडी करके। तो अपने पास में चारों ये एक्सपेरिमेंटल विधियां हैं मतलब प्रैक्टिकल टाइप की विधियां हैं, ये एक तरह के प्रैक्टिकल हैं जो अपने सिलेबस में भी हैं प्रैक्टिकल्स में, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के तीनों के में ये प्रैक्टिकल्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके इन विधियों को समझेंगे कि इनसे काइनेटिक्स की स्टडी कैसे करेंगे। तो पहले अपन लेंगे कंडक्टोमेट्रिक मेथड।
कंडक्टो मैट्रिक मेथड। देखो किसी भी विलयन में जिसमें आयन उपस्थित होते हैं वो क्या करता है, चालकता का प्रदर्शन करता है। मतलब जो विलयन है, जैसे पानी है, पानी में अगर मैं NaCl डाल दूँ, थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो क्या होगा, वो विलयन अब विद्युत का चालन करने लगेगा। जो पानी और नमक का विलयन है वो विद्युत का चालन करने लगेगा। तो मतलब अगर किसी भी विलयन में, द्रव में आयन उपस्थित होते हैं तो वो चालकता का प्रदर्शन करते हैं। जो चालकता होती है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो उसमें आयन कितने हैं प्रेजेंट है, और दूसरा उसमें जो आयन उपस्थित है उनकी गति, स्पीड, मोबिलिटी कितनी तेज है। मतलब चालकता क्या होती है, आयनों की स्वतंत्र गति के कारण उत्पन्न चालकता अपनी चालकता कहलाती है। ठीक है, और ये निर्भर किस पे करती है, पहला निर्भर करती है आयनों की नंबर पे, नंबर या संख्या पे, दूसरा आयनों की गति पे, दो चीज़ों पर चालकता निर्भर करती है। तो देखो इन विधि में अपन पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, थ्योरी, एक तरह की थ्योरी, सिद्धांत समझ लो, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर एक एग्जांपल लेंगे, फिर उसकी विधि पढ़ेंगे कि कैसे अपन चालकता मापेंगे, और फिर लास्ट में उसका कैलकुलेशन करेंगे कि अपने पास काइनेटिक्स कैसी आई है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल और थ्योरी, सिद्धांत। अपना पहला टॉपिक आएगा प्रिंसिपल और थ्योरी, कुछ भी लिख दो, थ्योरी। देखो पहला अपन पॉइंट बनाएंगे इसके अंदर, किसी द्रव विलयनों में आयनों की स्वतंत्र गति के कारण उत्पन्न चालकता चालकता आयनिक चालकता कहलाती है। चालकता का यह मान आयनों की संख्या के साथ साथ आयनों की गति पर भी निर्भर करता है, आयनों की गति के साथ साथ संख्या पर भी निर्भर करता है। अब देखो, जब मान लो तुम्हारे पास में एक सॉल्यूशन है, और इधर एक और सॉल्यूशन है, इसमें मान लो अपने पास में क्या भरा है, कोई भी सॉल्यूशन विलयन भरा है, मान लो HCl का भरा है, और इसमें क्या भरा है, NaOH भरा है, HCl और NaOH भरा है दोनों में। जब इन दोनों विलयनों को मैं मिक्स करूंगा तो रिएक्शन क्या होगी, NaOH प्लस HCl क्या बना लेगा, NaCl, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और वाटर बना लेगा। ठीक है, NaCl और H2O बन जाएगा अपने पास में। अब देखो जैसे इन दोनों सॉल्यूशनों को मिलाऊंगा, तो देखो अभी चालकता मान लो इस सॉल्यूशन में है, तो इसमें H प्लस और Cl नेगेटिव आयनों के कारण है, इसमें Na प्लस और OH नेगेटिव के कारण चालकता इन दोनों की अलग अलग है। जैसे इन दोनों को मिलाऊंगा तो चालकता में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, चालकता में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, चेंज होगी। अब वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है चालकता। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है,
हाइड्रोजन और OH जो दो चालकते थे वो वाटर में बदल गए, मतलब वाटर। अब अपन को पता है शुद्ध जल चालकता शो नहीं करता है, पानी चालकता शो नहीं करता, तो ये मॉलिक्यूल है वाटर के जितने भी, ये चालकता शो नहीं करेंगे, केवल क्या करेगा NaCl करेगा। तो यहाँ पर क्या होगी, विलयन की चालकता घटेगी, समय के साथ साथ घटेगी दोनों को मिलाओगे, क्योंकि जो अभिक्रिया होगी उदासीनीकरण होगी। तो अब जो अभिक्रिया में केवल आयन कौन सा बचेगा, Na और Cl, Na और Cl, लेकिन H+ और OH आयन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे NaCl से। तो अपने पास में अभिक्रिया की क्या होगी, चालकता घटती है। तो अपन यहां पर लिखेंगे इसका थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका, जब दो विलयनों को चालकता प्रदर्शित करने वाले, जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो विलयन की चालकता परिवर्तित होती है। अब लिखेंगे चालकता में यह परिवर्तन वृद्धि या कमी के रूप में हो सकता है। देखो शुरू से अपन ने क्या बोला, विलयन में उपस्थित आयनों का जो चालकता होगी वो आयनिक चालकता होगी। जो चालकता वो दो चीज़ों पे निर्भर करती है, एक तो आयन उसके नंबर पे, दूसरा उनकी मोबिलिटी पे, कितनी स्पीड है उसकी विलयन में, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ अपन ने बोली कि जब दो विलयनों को आपस में मिलाया जाता है तो उसकी चालकता में परिवर्तन आता है, जो विलयन बनेगा। मैंने एग्जाम्पल बताया था NaCl और NaOH और NaCl के, अगर सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो अपने क्या होगा, कंडक्टेंस में क्या आएगी, कमी आती है। उसके बाद में अपन ने फोर्थ पॉइंट लिखा कि ये जो चेंज होता है चालकता में, कंडक्टेंस में, वो इंक्रीज भी हो सकता है, मतलब वृद्धि भी हो सकती है, और डिक्रीज भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है। अब अपन लिखेंगे चालकता में आए इस परिवर्तन का अध्ययन चालकता मापी से कर लेते हैं, चालकता मापी से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करने पर अभिक्रिया की बल गति निर्धारित की जा सकती है। देखो ये हो गया प्रिंसिपल, मतलब अपन ने दो सॉल्यूशनों को मिलाया, उसकी चालकता में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। इस चेंज को अपन कंडक्टोमीटर या चालकता मापी से स्टडी कर लेंगे, कितनी वृद्धि और कितनी कमी हो रही है समय के साथ में। इस
डाटा का जब विश्लेषण करेंगे तब अपने पास में क्या आ जाएगा, किसी भी अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया ले रहे हैं उसकी बल गति का निर्धारण हो जाएगा। मतलब अलग अलग समय अंतराल पे हम चालकता का मापन कर लेते हैं चालकता मापी द्वारा, फिर उन प्राप्त आंकड़ों को अपने कैलकुलेशन करते हैं और उससे प्राप्त डाटा को विश्लेषण एनालाइज करके अपन क्या लगा सकते हैं, अभिक्रिया की प्रकृति का या प्रगति का पता लगा सकते हैं। तो ये तो प्रिंसिपल हुआ, अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एस्टर का शार की उपस्थिति में जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, ये अपन उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, सी एच थ्री मान लो ये एस्टर है अपना, इसका क्षार की उपस्थिति में क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास बन रहा है ये चीज बन रही है अपनी इस अभिक्रिया में। ठीक है, देखो इस अभिक्रिया में अभी जो चालकता होगी वो किसके कारण है, OH आयन के कारण है। इसके बाद जब ये अभिक्रिया हो जाएगी तो चालकता किसके कारण होगी, इसको NaOH ले लो अगर प्रॉब्लम लगे तो, NaOH। देखो इसके कारण है अभी चालकता Na प्लस और OH नेगेटिव के कारण है, या अपन OH के कारण कह सकते हैं, क्योंकि Na तो क्या है, दोनों साइड में कॉमन है, मतलब प्रोडक्ट में भी Na है और इसमें भी Na है, तो दोनों की चालकता समान रहेगी। लेकिन जो अभी मेन चालकता है वो OH के कारण रहेगी और इधर जो मेन चालकता है वो एसीटेट आयन के कारण रहेगी, CH3COOH नेगेटिव। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी पहले कि जो चालकता होती है वो किस पर निर्भर करती है, स्पीड पर या गति पर, आयनों की गति। आयनों की गति पर निर्भर करती है। अब अभिक्रिया में क्या है, आयनों के नंबर तो अपन ने जितने लिए उतने फिक्स है, बस आयनों की गति। अब देखो अभी यहां पर OH है, OH नेगेटिव और इधर क्या है, CH3COOH नेगेटिव है। इनमें देखो साइज इसका बहुत बड़ा है, इसका साइज छोटा सा है। अब जिसका साइज बड़ा होता है उसकी स्पीड वैसे ही धीरे होती है, जैसे अपन देखते हैं हाईवे पे ट्रक और एक बाइक में देखो, या कहीं पर भी बाइक और ट्रक का कंपेरिजन करो, तो अपने पास में जो बाइक की जो होती है स्पीड वो हाई रहती है, बशर्ते कार या कोई भी पिकअप वगैरह से। तो मतलब जितना बड़ा साइज होता है उतनी ही गति कम होती है। तो इस अभिक्रिया में देखो अभी चालकता OH छोटे आयन के कारण थी, जैसे ही अभिक्रिया शुरू हुई ये आयन किसमें बदलने लग गया, एसीटेट में, जो कि बड़ा है, तो चालकता में क्या आएगी, समय के साथ कमी आएगी। तो अपन लिखेंगे चूंकि इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में OH आयन का प्रतिस्थापन CH3COOH एसीटेट आयन से हो रहा है, अतः मिश्रण की चालकता समय के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे रिएक्शन होगी चालकता भी घटती जाएगी, क्यों, क्योंकि कम गति वाले आयन किसका विस्थापन कर रहे हैं, OH नेगेटिव आयन का। तो ये अपने पास में क्या है,
इसका उदाहरण ले लिया। अब इसकी विधि देखेंगे कि इसकी चालकता को मापेंगे कैसे, तो अपन लिखेंगे नेक्स्ट मेथड। इसमें लिखेंगे मेथड विधि। देखो इसमें क्या करते हैं, पहले मैं एक बार यहीं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्या करते हैं, दो फ्लास्क लेते हैं मतलब दो बर्तन, सोच लो दो बर्तन लिया, उसमें एक में एस्टर ले लिया, दूसरे में एनएओएच ले लिया, एस्टर और एनएओएच ले लिया। उसमें दोनों को क्या करते थे, ताप स्थापी में रख देते हैं, थर्मोस्टेट में रख देते हैं। ताप स्थापी क्या करती है, तापमान को एक नियंत्रित कंट्रोल वे में रखती है। जैसे मैं तुमको 60 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो वो 60 रखेगा, 50 चाहिए तो 50 रखेगा, 40 चाहिए 40, 30 चाहिए तो 30, जितना तुमको टेम्परेचर चाहिए उतना ही क्या रखता है, उसको कंट्रोल में रखता है। तो अपन क्या करेंगे, दोनों फ्लास्क को थर्मोस्टेट में रख देंगे। जैसे ही थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद दोनों का तापमान एक जैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो अपन दोनों फ्लास्क को मिश्रण कर देंगे। दोनों फ्लास्क को मिश्रण कर दिया और उसमें क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब उस रिएक्शन स्टार्ट होते ही अपन उसमें से थोड़ा थोड़ा अपन क्या लेंगे, मिश्रण लेंगे और उसकी चालकता मापते जाएंगे। मतलब अपन ने दोनों फ्लास्क को मिश्रण कर दिया और एक अपना फ्लास्क में आ गया, वो दोनों सॉल्यूशन और अभिक्रिया स्टार्ट हो गई। अब उसमें से थोड़ी थोड़ी अपन वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे और उसका चालकता नाप लेंगे। फिर चालकता नाप के अपन क्या कर लेंगे, आगे की काइनेटिक्स कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसको अपन अब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।